हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसका? सॉलिड्स का। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस एनक्लोज्ड बाय सॉलिड इज कॉल्ड वॉल्यूम। जैसे इसका वॉल्यूम सिलेंडर है, जितना ये स्पेस इनक्लोज करेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया में आपका टोटल और लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, वो मैं आपको फिगर्स में बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले फिगर्स देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली फिगर है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? सिक्स रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं इसमें। ऐसे एक क्यूबॉइड हो गया, दिस इज कॉल्ड लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। ठीक है, इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है? सरफेस एरिया की अगर बात करें, वन बाय वन इसकी डिस्कशन करते हैं। सरफेस एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो टोटल इसमें सिक्स फेसेस हैं। ठीक है, सिक्स रेक्टेंगल्स हैं। एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे इसका देखोगे लेंथ इंटू, तो इसकी ब्रेथ ही होनी चाहिए, तो ब्रेथ किसके इक्वल है? हाइट के। आपने 10th क्लास में किया भी होगा, थोड़ा सा मैं इसको फास्टली करवा देता हूँ। सरफेस एरिया जो है दैट इज 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया और कर्व। इसमें क्या होता है? कोई भी फिगर है उसकी सराउंडिंग्स लेते हैं, टॉप और बॉटम उड़ा दो, मीनिंग ये सरफेस और ये सरफेस हटा दो। ठीक है, तो बाकी कितने रह गए? फोर सरफेसेस। उसके अंदर उसका जो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया बनेगा, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया इंटू एच आ जाएगा। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है अगर आपको, वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। और इसका अगर ये डायगोनल फाइंड आउट करना होता है, ये डायगोनल, ठीक है, दिस डायगोनल इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, नेक्स्ट फिगर है हमारे पास क्यूब्स, क्यूबॉइड से मैच करती क्यूब। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, एक मेजर डिफरेंस ये है एल बी एच इक्वल हो जाते हैं, तो जो वैल्यूज चेंज होती हैं सरफेस एरिया, दैट इज टोटल वन। एल इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एच पुट कर दो तो ये आपका बन जाएगा, सपोज इक्वल्स टू आप ए ले लेते हो तो बन जाएगा आपका ये सिक्स ए स्क्वायर, इसमें पुट कर दो। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ये बन जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम इसमें पुट करोगे तो बन जाएगा a क्यूब, और लेंथ ऑफ डायगोनल इसमें a पुट करोगे तो 3a स्क्वायर बन जाएगा, और बन जाएगा अल्टीमेटली अंडर 3a। ठीक है, तो ये आपकी नेक्स्ट फिगर हो गई थी क्यूब। उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉलिड क्या होता है? मैंने आपको 10th में बताया हुआ था फिजिक्स में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीनिंग क्या होता है? सपोज अगर थ्रू आउट लेंथ, सपोज एक सिलेंडर है, ये इसकी लेंथ है, यहां सामने क्या है? सर्कल। सपोज इस सर्कल का एरिया ए है, थ्रू आउट लेंथ अगर ये सर्कल ही रहता है, इसका एरिया ए ही रहता है, चेंज नहीं होता, ये बैक साइड पे भी ए ही है, तो दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इसका अगर वॉल्यूम निकालना होता तो इसका फॉर्मूला ये भी होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थ्रू आउट लेंथ अगर कोई आपका एरिया चेंज नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट बात करते हैं सिलेंडर का जो रेडियस है वो आर है,
ठीक है, और इसकी जो हाइट है सपोज एच है, कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या करते हैं हम, ऊपर और ये टॉप का और बॉटम का पोर्शन हटा देते हैं, तो बीच में एक सिलेंडर बच गया। बेसिकली एक सर्कल है जो एच हाइट तक बिल्कुल सेम जा रहा है, तो एक सर्कल का जो हम सर्कमफ्रेंस लेंगे दैट इज 2πr, कितनी हाइट तक जा रहा है, एच हाइट तक इंटू एच, तो कर्व सर्फेस एरिया क्या हो गया 2πrh। टोटल सर्फेस एरिया ऊपर और नीचे वाला सर्कल ऐड कर दो, 2πrh प्लस पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले का, पाई आर स्क्वायर नीचे वाले का, इसे सॉल्व करें तो 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, 2πr कॉमन ले लो इंटू आर प्लस एच, टोटल सरफेस एरिया आ गया। और वॉल्यूम अगर आपका देखना है, वॉल्यूम क्या होता है, कितना स्पेस या कितनी कैपेसिटी ये होल्ड कर सकता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ग्लास है, ग्लास में आप पानी डालते हो तो पानी की जो कैपेसिटी है वो ग्लास का वॉल्यूम है, तो बेसिकली आप इसके इंटरनल पार्ट की बात कर रहे हो। अब इंटरनल के लिए हम क्या लेते हैं, एरिया, ये वाला एरिया लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कितनी हाइट तक जा रहा है ये एच हाइट तक, तो इंटू एच पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कोन, कोन क्या होता है, कैप होती है ना बर्थडे कैप, उस शेप का, इस तरह से कोन, दिस इज कॉल्ड एल स्लांट हाइट, दिस इज नॉर्मल हाइट एंड दिस इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो इसे हम कैसे फॉर्म करते हैं, आपको टेंथ में बताया होगा, एक रेक्टेंगुलर शीट लेके उसे हम कोन बना देते हैं, उसको टर्न करते रहते हैं, इस शेप में आ जाता है, तो उसकी एल स्लांट हाइट होती है, एच उसकी जनरल हाइट होती है, आर इज द रेडियस। तो स्लांट हाइट अगर फाइंड आउट करना है, मीनिंग दिस इज ऑल्सो एल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल निकालना है तो ये इसका क्या बन जाएगा, अंडर रूट। स्लांट हाइट ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ऊपर नीचे वाला ऐड कर दो, ऊपर तो पॉइंट है, पॉइंट का एरिया हम लेते नहीं, तो बेसिकली पाई आर एल प्लस नीचे वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई अगर कॉमन लूं मैं पाई आर, तो ये बचेगा एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। और इसका अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो कौन तक हो गया अपना, नेक्स्ट फिगर वी हैव सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, सरफेस एरिया जो होता है, दैट ये सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर है पूरा, अंदर से सॉलिड है सारा, ये इसका रेडियस आर, इसका जो सरफेस एरिया होता है दैट इज 4πr स्क्वायर, ठीक है। और आपको इसकी ट्रिक भी बताई होगी, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस लेके उस इस पूरे सर्कल को कवर्ड करते हैं तो चार सर्कल यूज होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की ट्रिक आपने टेंथ में की होगी। वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, वो सर्कल के एरिया में फिल्ड करके जितना थ्रेड आता है उसके ऊपर रोल करते हैं तो पूरा कवर्ड हो जाता है, दैट इज वाई 4πr स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल में क्या होता है, उसकी कुछ थिकनेस होती है ऐसे, तो इसमें दो रेडियस होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो थिकनेस अगर निकालनी है, मीनिंग ये अगर निकालना है तो क्लियर है कैपिटल आर माइनस आर थिकनेस आ जाएगी, और अगर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना है, मीनिंग इसका ये किस कितने मटेरियल से बना है उसका वॉल्यूम क्या है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो यहाँ पे आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, फॉर्मूला सेम है बस सिर्फ थिकनेस वाला हमने जो है ये वैल्यू लेनी है, तो 4/3 पाई
आर क्यूब बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का माइनस कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आ जाता है, कितने मटेरियल, जैसे ग्लास है आपका, ग्लास की कोई थिकनेस होगी, उसका वॉल्यूम बताना है, कितने वॉल्यूम से वो बना है। नेक्स्ट वी हैव सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है, सपोज ये उसका रेडियस है, तो कर्व निकालना है, कर्व या लेटरल, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल, 2πr² हाफ हो गया, और टोटल निकालना है, टोटल में क्या करते हैं हम, टॉप और बॉटम ऐड कर देते हैं, अब इसमें ऊपर एक सर्कल ही ऐड होगा, तो 2πr² और इस सर्कल का ऐड करेंगे, 1 और ऐड हो गया, 2πr प्लस 1πr दैट इज 3πr². वॉल्यूम अगर निकालना है तो उसमें 4/3πr³ था, उसका हाफ कर दो, 2/3πr³, ठीक है, तो कुछ नहीं, उस सॉलिड हेमिस्फीयर को, सॉलिड स्फीयर को कट करके सिर्फ हेमिस्फीयर बनाया। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको नहीं बता रहा, सिर्फ डायग्राम में इंसर्ट करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि गिवन क्या है। एक स्क्वायर है हमारे पास, जिसमें हम ना उसके कॉर्नर से, जैसे सपोज आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, इसके कॉर्नर से 6-6 सेंटीमीटर चारों कॉर्नर से, ठीक है, हम कट कर देते हैं, जैसे यहां से 6, यहां से 6, यानी ये कट कर दिया, ये 6, 6, ये भी 6, ठीक है, कट कर दिया इसको, यहां से कट कर दिया, और ये आपका अंदर पोर्शन बच गया, इसको यहां से कट किया, यहां से कट किया, इसको लिफ्ट अप कर देंगे, ठीक है, 6-6 सेंटीमीटर हमने कट कर दिया। अब इसके अंदर जो हमें लेंथ गिवन थी 42 बाय 30 गिवन थी, मीनिंग ये 42 बाय 30, ठीक है, और हमें कॉर्नर से स्क्वायर काटे हमने 6 सेंटीमीटर के चारों तरफ कॉर्नर से। अब इसके अंदर देखो 6-6 सेंटीमीटर अगर कट करेंगे तो 6 यहां से गया, 6 यहां से गया, ठीक है, 6 और 6 क्या चला गया, 12 चला गया, सेम में से ये 6 यहां से जाएगा, 6 यहां से जाएगा, उसका भी 12 चला जाएगा, तो बेसिकली जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो 12-12 से डिक्रीज हो जाएगी, 12-12 से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके अंदर देखो अगर हमारे पास बची तो ये लेंथ सपोज दिस पॉइंट आर एस, दिस पॉइंट आर, तो मैं अगर एस आर देखू, एस आर मेरा 6 ये गया, 6 ये गया, तो 42 माइनस 6 माइनस 6 कितना बचा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और अगर मैं ये लेंथ देखू सपोज ये क्यू है, आर क्यू, 6 यहां से गया, 6 यहां से गया, आर क्यू, तो इसकी जो वैल्यू थी दैट इज 30, 42 बाय 30 था ना, -6 -6 कम्स आउट टू बी 18, तो बेसिकली ये 30 बाय 18 का नीचे बेस रहेगा ये, ठीक है, और एक कॉर्नर कट करके ने लिफ्ट करके क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है, चारों कॉर्नर ये कट, यहां से कट किया, इसको ऐसे लिफ्ट कर लिया, इसको ऐसे लिफ्ट कर लिया, इसको ऐसे लिफ्ट कर लिया, इसको ऐसे लिफ्ट कर दिया, कवर्ड कर दिया, एक क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। तो आपको ये बताना है उस बॉक्स की कैपेसिटी कितनी होगी, जो आपने बॉक्स बनाया है, बॉक्स की कैपेसिटी क्या होगी, उसका वॉल्यूम दैट इज एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, एल देखें तो हमारी लेंथ कितनी है 30, ब्रेथ कितनी है 18, हाइट, हाइट क्या है, जब आपने इसको यहां से ऐसे लिफ्ट करा
तो ये 6 सेंटीमीटर ही लिफ्ट हुआ, तो 6 उसकी क्या होगी हाइट, ठीक है। इसे अगर हम सोल्व करें 540 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? एक आप, हमारे पास एक फिगर थी 6 सेंटीमीटर के चारों कॉर्नर कट कर लिए, ठीक है, कट करके उन्हें ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे यहां से यहां से यहां से यहां से, तो लेंथ इफेक्टिव लेंथ ही रह गई, इफेक्टिव ब्रेथ ही रह गई, हाइट कितनी है 6। आपको क्या फाइंड आउट करना था? इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। तो वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का एक सेमी सर्कुलर शीट है, एक सेमी सर्कुलर शीट है ऐसे, जिसका डायमीटर 28 है, डायमीटर 28 है, तो रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर में गिवन है। इसको बेंड करके ना कॉनिकल कैप बना लिया, ऐसे कॉनिकल कैप बना लिया। अच्छा, अब ये जो 14 सेंटीमीटर है, जब आप इसे ऐसे बेंड करोगे तो 14 यहां आ जाएगा, ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। इसको आप ऐसे बेंड करोगे तो 14 क्या बन जाएगी, स्लांट हाइट बन जाएगी, ठीक है, और 28 इसका डायमीटर गिवन था और 14 रेडियस बना, तो ये कौन बनाते हैं इसकी, ये स्लैंट हाइट बन गई, ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर्क अगर फाइंड आउट करनी है सेमी सर्कुलर शीट की, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, इस सेमी सर्कुलर शीट की, तो फुल लेंथ क्या होती है 2πr, उसका हम हाफ कर दें, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर, ठीक है। पाई कितना है 22/7, आर हमारा आ गया 44 सेंटीमीटर, मीनिंग उसका लेंथ जो है इस सर्कुलर शीट का 44 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें स्लांट हाइट तो पता लग गई इसकी 14 थी, बट रेडियस का तो नहीं पता हमें, ठीक है। रेडियस अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो ये इस सर्कल का सर्कमफेरेंस जो होगा, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस वो इसी शीट से बना है, ठीक है। तो अगर इसका सर्कल की रेडियस आर है और उसका सर्कमफेरेंस जो होगा वो 2πr बन जाएगा, वो किसके इक्वल आएगा, इस लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल आएगा। इसी से हमारा सारा फॉर्म हुआ है, इसी ये जो सर्कल बनेगा आप इसे ऐसे मूव करोगे तो इसी लेंथ ऑफ आर्क से ये सर्कल बना है, आपने इसी आर्क सर्कल से फुल सर्कल बनाया। इसकी लेंथ कितनी आई है 44, तो 2πr इक्वल्स टू 44, ठीक है। तो यहां से मैं अगर फाइंड आउट करूं 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर ये क्या है जिस इसका रेडियस 44, तो आर कितना आएगा 44 इंटू 7/44, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये जो इसकी रेडियस होगी उसकी स्लांट हाइट बनती है। अब क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें, वो बोल रहे कैपेसिटी ऑफ द कप, इसकी कैपेसिटी बतानी है। अब हमारे पास देखो L आ गया, R आ गया, H फाइंड आउट कर लें, ठीक है। H के लिए हम यूज कर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, L स्क्वायर इक्वल टू आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। L है 14 स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, एच हमें फाइंड आउट करना है, आर 7 है, 7 स्क्वायर आ गया, तो एच स्क्वायर हमारा बना 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो ये बना 14 स्क्वायर, ये हो गया आपका 196 माइनस 49, तो h आ गया 147 अंडर रूट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा, फैक्टर बनाए इसके 7√3 सेंटीमीटर, यहीं भी छोड़ सकते थे आप। और कैपेसिटी अगर निकालनी है, कौन की कैपेसिटी क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7 आर 7 स्क्वायर एच, एच आया 7√3, ठीक है। इसे सोल्व कर लेना, रूट थ्री ना सोल्व हो तो वैसे कोई बात नहीं, रूट थ्री में रहने देना, ये आपका 10783√3 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट लगाना मत भूलना, ठीक है। इसमें क्या किया था, सेमी सर्कुलर आर्क थी, उसको कोन की शेप में बेंट कर लिया।
धीरे धीरे जो जो पूछा है आप सारा फाइंड आउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मार्बल्स हैं, मार्बल्स जिनका डायमीटर जो है 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल बीकर है, ये एक सिलेंड्रिकल बीकर है, इसके अंदर हम इन मार्बल्स को डाल देते हैं, ठीक है। और जो बीकर का डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर बीकर का डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, बीकर डायमीटर 7 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर पानी है, हमने क्या किया, ये सपोज पानी का पहले लेवल था, वाटर का लेवल था, मेरा फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट शुड ड्रॉप इनटू द बीकर सो दैट वाटर लेवल राइजेस बाय 5.67। सपोज ये उसका इनिशियल लेवल था, मार्बल हमने डालने के बाद ये लेवल यहां तक आ गया, कह रहे ये जो हाइट है ना ये 5.6 सेंटीमीटर ऊपर जानी चाहिए, तो मीनिंग वाटर अब यहां तक आ गया, इतना लेवल राइज करना है, इनिशियल यहां पर था, तो यहां नीचे सारी क्या आएंगी, मार्बल्स आएंगी, ठीक है। कह रहे मार्बल्स बताने हैं आपको कितने डालने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रेडियस निकाल लें, रेडियस ऑफ मार्बल, रेडियस ऑफ मार्बल देखें तो ये डायमीटर था डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो ये बन गया 14/20, तो 27 या 210 सेंटीमीटर, ये रेडियस ऑफ मार्बल आ गया। वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल, एक मार्बल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, 7/10 क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर, अभी सोल्व नहीं करते, ठीक है, क्या जब इसको फाइनल लेके जाएंगे ना तब इसे सोल्व कर लेंगे। मार्बल हमने ड्रॉप किए, कितने मार्बल ड्रॉप किए नहीं पता, सपोज एन है, करें जो इसका लेवल है ना वो 5.6 सेंटीमीटर इंक्रीज होना चाहिए, 5.6 सेंटीमीटर से लेवल इंक्रीज हो जाना चाहिए, ठीक है। अब 5.6 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, 5.6 है तो ये 56/10 ये आ गया 28/5 सेंटीमीटर, इतना लेवल राइज करना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजन इन बीकर, ठीक है, वॉल्यूम क्या आएगा, सिलेंडर था ये, सिलेंडर का वॉल्यूम बेसिकली इतना अप चला गया, तो पाई आर स्क्वायर, राइजन जितना ऊपर गया वही देख रहे हैं, पाई आर, इसका डायमीटर 7 था अपना सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है 28/5 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम जो इस सिलेंडर में राइज हुआ वो इतना हुआ, एक मार्बल का इतना था। तो नंबर ऑफ मार्बल्स अगर निकालने हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स कितने मार्बल्स हम ड्रॉप करें, तो वो हुआ क्या, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजन, कितना वाटर इसमें राइज हुआ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल, अरे टोटल वॉल्यूम आपका जितना था उसके एक वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मार्बल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने सोल्व इसलिए नहीं किए, ऐसे कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चंस में नहीं करते स्टार्टिंग, हमेशा एंड में, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन में। तो पाई आर स्क्वायर 7/2 स्क्वायर इंटू एच 28/5 डिवाइडेड बाय 1 का 4/3 पाई आर क्यूब 7/10 क्यूब, और इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर जनरली इंटीजर आता है, एक नंबर आता है, फ्रैक्शंस में कम आते हैं, इसे आप सोल्व करोगे यू विल गेट आंसर 150। तो नंबर ऑफ मार्बल्स कितने आएंगे 150। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, कह रहा था एक सिलेंडर है जिसमें कुछ पानी है, वाटर कंटेन करता है, कह रहे इसमें कितने मार्बल डालें कि इसकी जो हाइट 5.6 सेंटीमीटर से अप चला जाए। तो बेसिकली ये राइज इन वॉल्यूम है, राइज इन वॉल्यूम इतना है, एक का अगर वॉल्यूम निकाल लें मार्बल का, राइज इन वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मार्बल्स आ गए। तो वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल हमने फाइंड आउट कर लिया, सोल्व मत करना इसको कभी भी, एंड में सोल्व करनी है ऐसी कैलकुलेशन। कितना वॉल्यूम राइज अप हुआ वो फाइंड आउट कर लिया, राइज एंड डिवाइडेड बाय वन मार्बल
सोल्व करोगे यू विल गेट द आंसर. ठीक है, आई थिंक 10th क्लास में भी आपने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे. तो मेंसुरेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका. इफ यू हैव एनी डाउट कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर सकते हो. ठीक है, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन. थैंक यू.